दबंग खान सलमान खान की फिल्मों का इंतजार उनके फैंस बड़ी ही बेताबी से करते हैं। उनकी आगामी फिल्म टाइगर जिंदा है का फैंस को तहे दिल से इंतजार है और इसके बाद सलमान खान को एक डैडी के रूप में देखना चाहते हैं। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आपको बता दें कि हम यहाँ पर रेमो डिसूजा की फिल्म गो डैडी की बात कर रहे हैं। आप भी इस फिल्म का अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान टाइगर जिंदा है की शूटिंग के बाद अब रेस 3 को करने के लिए काफी इच्छुक हैं। इस फिल्म में सलमान का नेगेटिव अवतार जैकलीन फर्नांडिस के साथ नजर आने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म गो डैडी में भी जैकलीन सलमान के ऑपोजिट नजर आएंगी। इन फिल्मों से पहले हम जैकलीन और सलमान को फिल्म किक में देख चुके हैं। इस फिल्म में लोगों ने जैकलीन और सलमान की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया था। सलमान और जैकलीन इस साल के अंत तक या अगले साल से रेस 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।